Hello and welcome to Voice Institute of English. So today we are going to read an editorial, The Fountainhead of India's Economic Malaise, written by Dr. Manmohan Singh. So you know, ये रेयर होता है कभी कभी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग भी एडिटोरियल लिखें. सो अगर ऐसा कभी होता है तो वी मस्ट रीड द एडिटोरियल. फाउंटेनहेड का मतलब होता है ओरिजिन, शुरुआत. तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन इकोनॉमिक मैलेज है, मैलेज मतलब खराब अवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब हालत, इसकी शुरुआत कहाँ से है, किस जगह से इसकी ओरिजिन है, कहाँ से चीजें शुरू हो रही हैं जो हमारी इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है. तो फाउंटेन हेड मतलब शुरुआत और मैलेज खराब अवस्था. द सिटीजनरीज डिस्ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट हैव कॉज्ड अ प्रोलॉन्ग्ड स्लोडाउन. मनमोहन सिंह साहब ने लिखा कि लोगों की, जो जनता है हमारी या फिर जो नागरिक हैं, इनका डिस्ट्रस्ट, अविश्वास किसमें, संस्थाओं में, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, भरोसे की कमी किसमें, सरकार में, इनकी वजह से एक प्रोलॉन्ग्ड स्लोडाउन देखने को मिल रहा है. प्रोलॉन्ग्ड स्लोडाउन का मतलब काफी लंबे समय से अर्थव्यवस्था में सुस्ती नजर आ रही है. क्या कारण है उसके? संस्थाओं पर अविश्वास और सरकार में विश्वास की कमी. द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इज डीपली वरिंग. भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्था इस समय या हालत बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है. आई से दिस, मैं ये बात कह रहा हूं या कहता हूं, नॉट एज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी. इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य हूं, मैं उस वजह से ये बातें नहीं कह रहा हूं, बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इस देश के एक नागरिक के रूप में, और एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी के रूप में ये बातें मैं कह रहा हूं. क्या? कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है. बाय नाउ, अब तक, द फैक्ट्स आर एविडेंट टू ऑल. आंकड़े सभी के लिए हैं, सभी के पास हैं, एविडेंट है मतलब क्लियर है, जिसको सभी आसानी से देख और समझ सकते हैं. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स में कुछ आंकड़े दिए. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी 15 वर्षों के लो पर है. नॉमिनल जीडीपी क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर का इकोनॉमिक सेक्शन वाला वीडियो देखें. तो नॉमिनल जीडीपी 15 ईयर के लो पर है, अनएम्प्लॉयमेंट 45 वर्षों में हाई है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन 4 दशकों में सबसे कम है. हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब घरेलू खपत. बैड लोन्स बैंक्स के ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो ग्रोथ है ये 15 वर्षों में सबसे कम है. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. आगे लिखा है डॉक्टर साहब ने कि द लिस्ट ऑफ हाईज एंड लोज, चीजें कितनी ज्यादा खराब है, हाई या लो है. हाई मतलब नेगेटिव में सबसे हाई, और खराब मतलब अच्छे में सबसे लो. तो ये कितना हाई या लो है, इसकी जो लिस्ट है इज लॉन्ग एंड डिस्ट्रेसिंग, एक लंबी सूची है और परेशान करने वाली है. लेकिन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज वरिंग, जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो परेशान करने वाली है, इसलिए नहीं कि बिकॉज ऑफ दीज डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स, ये जो ऊपर हमने आंकड़े देखे जो परेशान करने वाले हैं, इन्होंने कहा ज्यादा बड़ी चिंता का विषय ये नहीं है. दीज आर मियर मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ डीपर अंडरलाइंग मैलेज. ये तो बस केवल एक संकेत है, मैनिफेस्टेशंस हैं किसके, जो मुख्य समस्या है वो और गहरी है, अंडरलाइन है, इसके नीचे है, और वो एक ऐसी समस्या है दैट प्लेग्स द नेशंस इकोनॉमी टुडे, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था को घेर रही है या फिर बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है, प्लेग कर रही है. अ नेशंस स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज ऑल्सो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, अ फंक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स सोसाइटी, या उस देश के समाज को प्रतिबिंबित करती है, या उसके फंक्शन पर निर्भर करती है. द फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था का कार्य करना, इज द रिजल्ट ऑफ, वो रिजल्ट होता है किसका, द
the combined set of exchanges and social interactions. वो कुछ चीजों का एक कंबाइंड सेट होता है, कुछ चीजों का कंबाइंड सेट मतलब एक मिलजुल कर काम करता है, किससे? एक्सचेंजेस, सोशल इंटरेक्शंस, किसके बीच में? लोग और सरकार की संस्थाएं, वो आपस में कैसे काम करते हैं, बात करते हैं, इन सभी के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था चलती है, मींस केवल संस्थाओं से नहीं चलती है. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर द बेडरॉक ऑफ सच सोशल ट्रांजैक्शंस. अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस मतलब यहाँ पे संबंधों की बात है, इंटरेक्शंस की बात है जो संस्थाएं और लोग आपस में करते हैं. तो राइटर ने कहा कि म्यूचुअल ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका बेडरॉक है. बेडरॉक मतलब बेसिक है, जिसके बिना ये सारी चीजें नहीं चल सकती हैं. अमंग पीपल, लोगों के बीच में, और यही चीजें हैं जो क्या करती हैं, फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को और मजबूत बनाती हैं. आर सोशल फैब्रिक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, हमारा जो वर्तमान में एक ताना बाना या जो ढांचा है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का सामाजिक रूप में, वो टॉर्न और रप्चर्ड है, वो फट गया है, पुराना हो गया है, उसमें दरारें आ गई हैं, मींस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका है, वो अच्छा नहीं रहा है. इंडस्ट्रियलिस्ट लिव इन फियर, मींस जो औद्योगिक है लोग, उद्योग से जुड़े हुए, वो डर में जी रहे हैं. देयर इज अ पल्पेबल क्लाइमेट, एक स्पष्ट क्लाइमेट है. यहाँ पे क्लाइमेट मतलब जलवायु नहीं है, आप आगे देखो क्लियर होगा. क्लाइमेट ऑफ फियर इन आर सोसाइटी टुडे, आज हमारे समाज में एक डर का माहौल है. यहाँ पे क्लाइमेट एटमॉस्फियर जैसा है, माहौल जैसा, और ये एकदम पल्पेबल है, स्पष्ट है. मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट टेल मी, बहुत सारे उद्योगपति मुझे ये बताते हैं कि दे लिव इन फियर ऑफ हैरेसमेंट, उन्हें हैरेसमेंट का डर लगता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, कि उन्हें परेशान न किया जाए. हैरेसमेंट मतलब परेशान. बैंकर्स आर रिलक्टेंट टू मेक न्यू लोन्स, बैंकर्स नए लोन देना नहीं चाहते हैं, क्यों? फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन, उनको रिट्रीब्यूशन का डर है. रिट्रीब्यूशन मतलब अगर वो थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी और उन्हें इसका डर है, तो उन्हें रिट्रीब्यूशन का डर है. Entrepreneurs are hesitant. Entrepreneurs hesitant हैं नए projects लाने में, क्यों? For fear of failure attributed to ulterior motives. उन्हें इस बात का डर है कि कहीं नए projects लाएं तो ulterior motives क्या है, इसके आधार पर उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए. Ulterior motives का मतलब hidden motives. टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए एक इम्पॉर्टेंट और नए इंजन का काम करते हैं, सीम टू लिव अंडर अ शैडो ऑफ कॉन्स्टेंट सर्विलेंस एंड डीप सस्पिशन. ऐसा लगता है कि वो एक लगातार सर्विलेंस की छाया में जी रहे हैं, उनको उनपे निगरानी की जा रही है और वो बहुत ज्यादा डर और शक के दायरे में है. पॉलिसी मेकर्स इन गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जो पॉलिसी मेकर्स हैं सरकार या बाकी संस्थाओं में, आर स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रुथ, ये सच बोलने में डर लगता है इन्हें, या फिर इंगेज इन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट पॉलिसी डिसीजंस, जो ईमानदारी भरा एक पॉलिसी डिसीजन है जहां पे आपके इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, उसमें ये शामिल होने में डरते हैं. There is profound fear and distrust among people. लोगों के बीच में एक बड़े पैमाने पर डर है, अविश्वास की भावना है. और ये कौन से लोग हैं? Who act as agents of economic growth? जो अगर डर या अविश्वास की भावना नहीं होती तो economic growth को तेजी से बढ़ा सकते थे, क्योंकि ये उसके एजेंट हैं. When there such distrust, और जब कभी भी ऐसी distrust होती है तो it adversely impacts economic transactions in a society. ये किसी भी समाज के आर्थिक लेनदारी या देनदारी को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, adversely impact करता है. When transactions among people and institutions are negatively impacted,
और जब कभी भी ये लेनदारी एक बुरी तरीके से प्रभावित होती है लोगों और संस्थाओं के बीच में, तो इट लीड्स टू अ स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी वजह से आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट आती है और अंततः इवेंचुअली स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, नो मोशन। दिस पेरिलस स्टेट ऑफ फियर, डिस्ट्रस्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग सिटीजन्स, ये जो पेरिलस स्टेट है, खतरनाक अवस्था है, पेरिलस है किस चीज की अवस्था? डर की, अविश्वास की और कॉन्फिडेंस की कमी की नागरिकों में, ये क्या है? इज अ फंडामेंटल रीजन फॉर आर शार्प इकोनॉमिक स्लोडाउन। जो आज तेजी से हमारे अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है, कमी देखी जा रही, उसका एक बेसिक या बुनियादी कारण यही है कि लोगों के बीच में डर, अविश्वास और कॉन्फिडेंस कमी की भावना है और बड़े पैमाने पर है। देयर इज एन एयर ऑफ हेल्पलेसनेस टू। एक और माहौल है, वो है लाचारी का। एक एयर है, एयर मतलब कह सकते हैं कि आप यहाँ की हवाओं में लाचारी है, मतलब लाचारी की फीलिंग है। क्यों? क्योंकि जो अग्रीव्ड सिटीजन्स हैं, अग्रीव्ड सिटीजन्स मतलब जिन्हें किसी बात को लेकर शिकायत है, फाइंड नो वेयर टू गो टू एयर देयर ग्रीवांसेस। वो अपने ग्रीवांसेस या शिकायत कहाँ दर्ज कराएं? उनके पास कोई जगह नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट इन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनमें लोगों का भरोसा। कैसी संस्थाएं? जैसे मीडिया, जुडिशियरी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये सभी, इनमें लोगों का जो ट्रस्ट हैज बीन सीवियरली इरोडेड। ये बहुत बुरी तरीके से उखड़ चुका है, भरोसा टूट चुका है, इरोड कर गया है। विद द इरोजन ऑफ ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के हट जाने से देयर इज अ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। अब एक सपोर्ट सिस्टम की कमी देखने को मिल रही है लोगों के लिए। क्यों? टू सीक रिफ्यूज अगेंस्ट अनलॉफुल टैक्स हैरेसमेंट और अनफेयर रेगुलेशंस। आज जो टैक्स हैरेसमेंट उनके साथ किया जा रहा है, गैर कानूनी या फिर जो गैर कानूनी चीजें उन पर थोपी जा रही हैं, उसके अगेंस्ट में वो कहाँ जाए? उनके पास सपोर्ट सिस्टम की कमी है। और ये जो सपोर्ट सिस्टम की कमी है, दिस मेक्स एंटरप्रेन्योर्स लूज दियर रिस्क एपिटाइट। इसकी वजह से उद्योगपतियों का रिस्क एपिटाइट कमजोर पड़ रहा है, मींस वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और इससे क्या हो रहा है? इवन फर्दर फॉर अंडरटेकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स। अभी तो उन्होंने वही कहा कि एंटरप्रेन्योर्स नए प्रोजेक्ट करने में और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने का रिस्क लेने से डर रहे हैं। और दिस टॉक्सिक कॉम्बिनेशन ऑफ डीप ट्रस्ट, और ये जो एक जहरीला कॉम्बिनेशन बन रहा है, डीप डिस्ट्रस्ट है, परवेजिव फियर है, सेंस ऑफ होपलेसनेस है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिफल कर रही हैं, रोक रही हैं, पंगु बना रही हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जा रही है। डीप डिस्ट्रस्ट मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, परवेजिव फेयर, व्यापक रूप से डर और एक लाचारी की भावना। द रूट कॉज ऑफ दिस रप्चरिंग ऑफ आर सोशल फैब्रिक, ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है, इसमें ये जो दरारें या जो कमजोरी आ रही है, इसका बेसिक कारण ये है कि मोदी गवर्नमेंट्स मेलाफाइडी अनलेस प्रूवन अदरवाइज डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट्स, कि मोदी गवर्नमेंट जिस डॉक्ट्रिन या सिद्धांत पे शासन चला रही है उसका नाम है मेलाफाइडी अनलेस प्रूवन अदरवाइज। मीन्स उनके सिद्धांत पूरी तरीके से दुर्भावना ग्रसित हैं, केवल कुछ एक को छोड़कर, और वो कुछ एक कौन जिनमें ये प्रूव ना कर दिया जाए कि वो सही है, ऐसा वो मानकर चलते हैं। ये उनकी गवर्नमेंट का डॉक्ट्रिन है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत होगा, या तो आप साबित करो कि वो सच है, ये गवर्नमेंट मानती है। द प्रिमाइस ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की बुनियाद है, जो ग्राउंड है, सीम्स टू बी दैट, वो ऐसा लगता है कि उसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स है और मेलाफाइडी इंटेंट, कि जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो कुछ बुरे इरादे के साथ जा रहे हैं, या फिर वो प्रूव कर सकें कि बुरा इरादा नहीं है तो, नहीं तो मान लिया जाएगा ऐसा।
और दिस सस्पिशन दैट एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये जो सस्पिशन या डर है, शक है कि प्रत्येक इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर, पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर, एंटरप्रेन्योर और सिटीजन इज आउट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट, ये केवल गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए हैं, डिफ्रॉड करने के लिए हैं। इस सस्पिशन ने क्या किया हैज लेड टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट इन आर सोसाइटी। आज इसकी वजह से हमारे समाज में ट्रस्ट नाम की चीज पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। दिस हैज हॉल्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे आर्थिक डेवलपमेंट रुक गया है। क्यों? क्योंकि बैंकर्स अनेबल टू लेंड, बैंकर्स लेंड नहीं कर पा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे और पॉलिसी मेकर्स कोई एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट सीम्स टू व्यू एवरीथिंग एंड एवरीवन थ्रू अ टेंटेड प्रिज्म ऑफ सस्पिशन। ऐसा लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट एवरीथिंग और एवरीवन, सभी को एक ऐसे प्रिज्म, ऐसे चश्मे से देख रही है जिसमें उसको लोगों पे शक होता है, लोगों पर भरोसा नहीं होता, डिस्ट्रस्ट होता है। ड्यू टू विच, और जिसकी वजह से एवरी पॉलिसी ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स, पूर्ववर्ती सरकारों की सभी पॉलिसी को वो क्या किस नजर से देखते हैं, बैड इंटेंट से, कि वो सारे के सारे खराब उद्देश्य से दिए गए हैं। एवरी लोन सैंक्शन कंसीडर्ड अनडिजर्विंग, प्रत्येक लोन जो पिछली सरकारों ने दिया वो गलत इरादे के साथ दिए गए, वो डिजर्व नहीं करते थे। एवरी न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को क्रोनी माना जाता है। क्रोनी मतलब आपका कोई टच था, आपका कोई फेवर था, इसलिए कर दिया गया, आप उसके लायक नहीं थे, इसके लिए क्रोनी लगाते हैं। और गवर्नमेंट हैज पोजिशन इटसेल्फ एज सम सेवियर, और सरकार अपने आप को एक सेवियर, एक मसीहा के रूप में ला रही है, और कर क्या रही है वो, रिजॉर्टिंग टू फूल हार्डी मोरल पॉलिसिंग पॉलिसीज। वो फूल हार्डली मोरल पॉलिसिंग पॉलिसीज अपना रही है, मतलब वे पॉलिसीज जो मूर्खतापूर्ण है, जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क है, जैसे डिमोनेटाइजेशन, which have proven to be, जो कि प्रूव हो चुका है कि डिमोनेटाइजेशन एक इल थॉट आउट था, मतलब उस पे अच्छे से प्लान नहीं किया गया था और इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रॉफिक था, बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। रॉन्गफुल एविल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एवरीवन, सभी को जो गलत या बुरे नजर से कैरेक्टराइज किया जा रहा है, जो गुड वर्सेस एविल की एक गवर्नेंस डॉक्ट्रिन चल रही है, डॉक्टर साहब का या राइटर का कहना है कि ये सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सही नहीं है, हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है। द रोल ऑफ सोशल ट्रस्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल ट्रस्ट का जो रोल है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड है, सभी इसको जानते हैं। एडम स्मिथ के समय से लेकर आज के वर्तमान के बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तक, द टियरिंग ऑफ आवर सोशल फैब्रिक ऑफ ट्रस्ट, जो सोशल फैब्रिक है ट्रस्ट का, उसको तोड़ना, फाड़ना, नष्ट करना, ये क्या है, यही फाउंटेन हेड है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक मैलेज की हालत है वर्तमान में। मीन्स सोशल फैब्रिक के ट्रस्ट का नष्ट होना ही अर्थव्यवस्था को खराब जगह पे ले जा रहा है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू रिवाइव, और अगर चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव हो, तो इट इज इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी है कि जो टॉर्न सोशल फैब्रिक है, जो आज एक खराब सोशल ताना बाना है, डर का, डिस्ट्रस्ट का, इसको स्टिच और निट किया जाए, इसको अच्छे से जोड़ा जाए, सिला जाए, ताकि ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को इंड्यूस करे, लोगों में लाए डाले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन के लिए, कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट फील करें, वो एग्जुबरेंट फील करें, मतलब बहुत ज्यादा खुश और अच्छा फील करें, ना कि वो डर और में रहें और नर्वस फील करें। और इट इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, केवल तभी ये संभव है जब गवर्नमेंट अपना ये मैलाफाइडी अनलेस प्रूवन अदरवाइज वाला डॉक्ट्रिन छोड़ देती है और एंटरप्रेन्योर्स का पर भरोसा करना शुरू करती है। मेलाफाइडी अनलेस प्रूवन अदरवाइज का मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, या फिर साबित करो कि वो सही है। ये कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल फाउंटेन हेड का मतलब ओरिजिन होता है, मैलेज खराब हालत, मैनिफेस्टेशन संकेत, प्लेग परेशान करना, फॉस्टर देखभाल करना, रप्चर दरार, पल्पेबल स्पष्ट, रिट्रीब्यूशन गलती की सजा, अल्टीरियर छिपा हुआ, पेरिल खतरा,
परवेजिव, व्यापक, स्टिफल, रोकना, डिफ्रॉड, धोखा देना, खासतौर से पैसे के मामले में। थैंक यू।